हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा, जय हिंद। तो आज थर्ड डे, आज हम जा रहे हैं लखनऊ। तो उससे आज शाम को नहीं, रात में 11 बजे का ट्रेन है। तो इसलिए कहा आज मैं अपनी छत से, और ये मैं घर के बारे में बताऊँ, ये घर मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है। सबसे नीचे जाओगे ना तो वो दो ईंट वाली दीवार जो होती थी पहले की, वो वाली दीवार है। और ये जब मेरे दादू एक बार बताए थे, मैं रिटायर हुए थे तब उन्होंने ये पूरा, मतलब जितने उनको रिटायरमेंट में पैसा मिला था उन्होंने सबका ये घर केवल बनवा दिया था। और मेरे गांव में सबसे पहले मेरा घर बना था उस टाइम पे, और सबसे ऊपर तक का, और मेरा कॉर्नर वाला ये पूरा घर है। और मैं अपने ऊपर से, ये बहुत पुराना हो गया, हम लोग गए हुए वहाँ पर 9 साल हो गए शिफ्ट हुए, और तब से उसके कितने दिन पहले से यहाँ पे मतलब कलरिंग कराई गई थी। इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कलरिंग की, सफाई की। तो अब बुआ के कराएंगे, अच्छे से टाइम निकाल के फारिग होके आएंगे तब अच्छे से कराएंगे। क्योंकि नीचे जो है, सबसे नीचे किरदार मतलब किराए पर रहते हैं ना, जो ये सामने वाला घर है ये बन रहा था तब वो लोग मेरे घर में आकर शिफ्ट हो गए थे उन्हें किराए पर, और तब से वो रह रहे लोग। तो फिर कैसे किया जाए सब सफाई वफाई, इसलिए कुछ नहीं हो रहा था। अब वो लोग का घर बन गया, वहाँ चले जाएंगे तो अबू आके फिर इस घर को पूरा रिपेयरिंग करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया है। और ये रहा मेरा छत, मैं यहाँ पे रात में सोई थी, क्योंकि रात में इतनी गर्मी होती है ना कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती गर्मी है। तो रात में बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो मैं तो ऊपर ही आके सो गई थी। उसे डर नहीं लगता, सबको ये कहना है कि डर नहीं लगता तुम्हें इतना ऊपर अकेले जाकर सो गई हो। मैं क्या डरना है, मुझे नहीं लगता, मैं आकर आराम से आज चटाई पर बना के सो गई थी। और सच बताऊँ आज मैं सोई थी, कल मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, लेकिन आज मैं पहले इंतजाम कर ली थी और मैं आज छत पे मतलब अच्छे से मेरी नींद आई, पूरी नींद पूरी हुई है। देखिए अभी मैं अपना गांव छत से दिखाती हूँ। ये रहा मेरा गांव, और वहाँ दूर दिखेगा पहिया वाला वो कब्रस्तान है, और उसके वो जो कलरफुल ब्लू और पिंक दिखेगा ना, दिख नहीं रहा इसमें, पर वो मदरसा है जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। और यहाँ से मेरा गांव, सब मस्जिद, और दिखाती हूँ इधर सब दौड़ के मैं बैठी, और इधर मैं पता नहीं क्यों, और इधर ये सारा घर बना हुआ है, दूर दूर तक सबका ऊपर तक घर बना है। सबसे सूरज एक जो येलो वाला दिख रहा है वो मेरी फ्रेंड का घर है, जो ऊपर का ट्रेन है। ये येलो वाला पुनी का घर है, अब वो सहाना का घर है। ठीक है, एक मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब मेरे यहाँ दादू का इंतकाल हुआ था ना, हम लोग आए थे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग। तो उस टाइम रमज़ान का 5वां रोज़ा था, और लेकिन मेरे यहाँ अम्मी मतलब सोच में पड़ के कि कहाँ से सबको अफ्तारी की व्यवस्था, खाना का व्यवस्था कहाँ से होगा, लेकिन मेरे गांव के सारे लोग घर से कुछ ना कुछ खाने को आया था। इतना ज़्यादा हो गया था कि सब कोई खा लिया था, तो घर पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सब लोगों ने मदद किया था। तो ऐसे ही है मेरे गांव में, अगर बाहर के गांव के आते हैं लोग ना, दूसरे गांव के मतलब बच्चे या कोई भी, तो उनको मेरा गांव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे गांव को एक तरह से छोटा शहर वाला गांव बोलते हैं लोग। यहां पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, पर थोड़ी सी दूरी पे होगी, लेकिन हर एक चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ के ये पूरा जितना भी इलाका है सब मुस्लिम का है, मतलब एक दूसरे यहाँ पर केवल जहाँ जाते जाओगे पूरा मुस्लिम इलाका है। ईद में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ईद में ना ये जो मस्जिद का सामने वाला है पूरा अच्छे से सजाया जाता है पूरा अंदर तक, तो बहुत अच्छा लगता है। नमाज जब होती है, नमाज वहाँ मदरसे पे होती है, ईद वाली या बकरीद वाली नमाज मदरसे पे होती है, या अलविदा की नमाज यहाँ मस्जिद में होगी, तो बहुत अच्छा सजावट होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी चलती हूँ मुँह धो ले, अभी मेरा नींद खुल गया था कितने 5 बजे, और तब से सोने की कोशिश करी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आने पर ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम रुका हुआ है, आराम से आपका सारा काम होगा। और लखनऊ में और ऐसा लगता है इतना जल्दी उठो ये काम, मतलब पढ़ने जाना है, पढ़ना है, ये करना वो करना,
मतलब भागम भाग वाली लाइफ लगती है। यहाँ पे अगर देखो तो आराम आराम से सुकून है, हो जाएगा, उस टाइप वाली फीलिंग आती है। चलो आज लास्ट डे है और आज चलते हैं अपने लखनऊ वाले घर। अभी के लिए बाय बाय। तो अभी क्या है ना कि रात हो गई है और ये रेड वाली लाइट चल रही है, तो उसका प्रकाश ऐसे ही दिखेगा, रोशनी। ठीक, तो अभी हम हो गए हैं तैयार पूरी तरह से लखनऊ जाने के लिए। बैग सेट तैयार है, इधर ये अम्मी का रूम पूरा साफ हो गया है। और एक और बात बताएं, ये मेरी अम्मी का बेड है, ये अम्मी का बेड है जो उनके दहेज का बेड है, जब उस मतलब शादी करके आएगी तब का उनका ये बेड है। और अभी तक सब सही है, पलाई एक नया लिया गया, दूसरा वाला रियल वाला ही है, ये सब अम्मी का दहेज का ही है। ये टेबल भी, ये कुर्सी भी, ये सिंगरदान, ये अलमारी जो अम्मी खरीदी हैं। ये रहा मेरा वाला रूम जो कि अम्मी साफ़ सफाई कर दी हैं, तो यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी। और ये फ्रीज अच्छा है, अभी भी पानी ठंडा करता है, कुछ है नहीं पर ठंडा कर रहा है, पानी का बॉटल रखा गया इसमें। एंड एक मुझे ना पता है, मैं फ़ोन चार्ज नहीं था, यहाँ पे ना सुबह रात से लाइट गई है और इस टाइम आई है, तो मैं जाके दादी घर अपना फ़ोन चार्ज करी हूँ, तो दिन भर का सब मिस हो गया, क्योंकि अभी हम दिन में गए थे चाची के घर दावत पे, तो उनके घर खाए लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि सारा फ़ोन देखता। और फिर पप्पी घर, दादी घर गए चार्ज करने के लिए, तो थोड़ा बहुत हुआ और इस टाइम पे लाइन आई है। वरना दिन में वो दिखाते जीना, जहाँ से हम लोग चलते कम थे और पूरा जंप करते थे, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मैं दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। इसी घर में लाइट है और सब जगह अंधेरा, तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन वहाँ से हम लोग चलते कम थे, जंप करके ज़्यादा जाते थे। और फिर नीचे से ऐसे स्टेप वाइज हम लोग जीने पर भी नहीं चढ़ते थे, वहाँ सीधे एक बार कूदेंगे जहाँ दादू आवाज़ दिए नन्हे बबलू सपा, तीनों लोग ऐसे जंप करते से एरोप्लेन छूट जाएगी ना उस तरह से, तो वो सब था। अब पता नहीं फिर कब आऊँगी, इसलिए मैंने कहा आज सारी मुआयना कर लेती हूँ अपने घर का, ऊपर का सब हो ही गया है। अब सबसे नीचे जो रहते हैं लोग किराए पे, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो किराए पे रहते हैं, तो वो लोग जब चले जाएंगे तो फिर खाली हो जाएगा। ये मेरे घर, तो रात में बाहर से मस्जिद ऐसा दिखता है। और हम सब तैयार थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे कि आ जाए, फिर मैंने सोचा बाहर से दिखा दूँ अपना, ये मेरा कॉर्नर का घर है ना, तो इसलिए ऐसे है। और बीच में पता है कुआं जो होता है ना वो था जो ढक दिया गया। और ये हम पहुँच गए धनपुर स्टेशन, एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। हम जैसे पहुँचे वैसे मतलब 5-10 मिनट बाद ट्रेन आ गया, और हम फटाक से अम्मी बोरा लेकर दौड़ी और मैं सारा सामान ऐसे, और हम लोग का सीट मिल गया, सीट पे हम लोग चले गए फाइनली। और फिर ये सुबह हो गई, और पता ट्रेन में ना इतनी ज़्यादा नींद आई थी, मैं एक ही सुबह सुबह ही उठी, थोड़ा सा तो रिकॉर्ड कर लूँ। और फिर यहाँ पर हमें अम्मी से बात करी। और मम्मी को इस तरह से जाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी इनके पीछे पीछे चल रही थी। और फाइनली हम घर पहुंच गए।